हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सब समझ तो होंगे। तो फ्रॉड की एक और सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें आज एक मैं नया टाइप का फ्रॉड बताने जा रहा हूं जो कि फिलहाल हमारे साथ हो रहा है और काफी प्यारा है, काफी यूनिक सा है। प्यारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा प्यार से जुड़े हुए उसके कलरफुल रंग है। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए और ज्यादा वीडियो को लंबी न करते हुए चलिए वीडियो को वो शुरू करते हैं। तो आपने है वो काफी टाइप के फ्रॉड्स है वो देखे होंगे मार्केट में और आजकल है वो व्हाट्सएप पे है फ्रॉड हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप अपडेट के बारे में और व्हाट्सएप बैन के बारे में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं या ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा। लेकिन जो आज जो फ्रॉड हो रहा है ना वो व्हाट्सएप अपडेट को लेके भी हो रहा है और साथ में जो बैन हो रहा है उसको लेके तो हो ही रहा है, प्लस एक पॉइंट उन्होंने और एड कर दिया जिसमें कलरफुल प्यार का कलर जो होता है वो पिंक। जी हाँ, पिंक व्हाट्सएप फ्रॉड। अभी आप सोचोगे कि पिंक व्हाट्सएप फ्रॉड क्या है, जैसे कि आजकल वो एक रील वायरल हुई थी ना, मेरे को तो बॉयफ्रेंड भी है वो पिंक कलर का चाहिए, जैसे टेडी बियर पसंद होता है लड़कियों को उस तरह से, तो बॉयफ्रेंड उसको वो भी पिंक कलर का चाहिए। तो उसी तरह से हैकर्स है वो फायदा उठा रहे हैं किसका, पिंक कलर का, पिंक कलर व्हाट्सएप फ्रॉड। जी हाँ, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर लिंक वगैरह मिलता है कहीं से, या हो सकता है कि आपको रेंडम मैसेज आए जिसमें कोई लिंक आएगा और उससे आपकी जो व्हाट्सएप का कलर है वो पिंक हो जाएगा और आपके चेहरे का थोड़ी देर बाद है वो रेड हो जाएगा और हो सकता है कि व्हाइट हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि हैरानी में जो चेहरा वो सफ़ेद हो जाता है और गुस्से में है वो चेहरा लाल हो जाता है। तो आपको हैरानी होगी और पहले खुशी होगी, फिर हैरानी होगी और उसके बाद गुस्सा भी आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से फ्रॉड था और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको रैंडम है कोई भी मैसेज आएगा, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको फॉरवर्ड करे, क्योंकि ये एकदम से फ्रॉड नहीं करेंगे, आपको धीरे धीरे है ललचाएंगे, आपका धीरे धीरे एक्सेस लेंगे व्हाट्सएप का, उसके बाद है तब तक क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि इतने लोगों को शेयर कर, तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको रिकमेंड है वो ये व्हाट्सएप कर दे और आप भी उसको देखते हुए पिंक कलर का व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल कर ले। बेसिकली आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको लिंक पे ओके करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो व्हाट्सएप की जो थीम है ना वो चेंज हो जाएगी, हो सकता है कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाए, जैसे कि आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं, या कुछ और मतलब समझ रहे हो आप कुछ ऐसे फीचर्स कि व्हाट्सएप देख लिया आपने, जैसे कि जीबी व्हाट्सएप में होता है, व्हाट्सएप पे आपने किसी का स्टेटस देख लिया लेकिन उसको पता ना चले, आप ऑनलाइन हो उसको ना पता चले। बेसिकली ये तो नॉर्मल व्हाट्सएप में भी है लेकिन आपको ललचाने के लिए आपको वो चीजें बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपके व्हाट्सएप का जो एक्सेस है वो नेक्स्ट जो बंदा उसके पास चला जाएगा और वो आपको क्या परेशानी बता सकता है, आपके नंबर से किसी को, आपके फ्रेंड को, जो भी लिस्ट में आपने नंबर किए हैं, आपके पर्सनल डिटेल है वो लीक कर सकता है और किसी को ये भी बोल सकता है कि मेरे को इतने पैसे जरूरत है। जैसे कि अभी मैं किसी मेरे फ्रेंड को है वो मैसेज करूं कि मेरे को इतने पैसे जरूरत है, तो बेसिक रूप से वो दे देगा भाई, उसको ये लगेगा कि मैं ही मैसेज कर रहा हूं, क्योंकि वो देख लेगा इस बंदे के पास इतनी चैट होती है वगैरह वगैरह करके आपको इस तरह के प्रॉब्लम में डाल सकता है। हो सकता है कि वो हैवी अमाउंट है मांग ले, हो सकता है किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 10,000 रुपये ले लिए, वो टाइप का फ्रॉड आपके साथ है वो कर सकता है। दूसरा, आपकी प्राइवेट चैट है वो लीक कर सकता है, आपको ही धमकी दे दे किसी नंबर से कि मेरे पास इतनी चैट्स है, स्क्रीनशॉट है, या कुछ ऐसी वीडियो जो आपके प्राइवेट हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो आपको लीक करने की धमकी दे। पहले क्या था, बेसिक रूप से जो फेसबुक पे है रिक्वेस्ट आती थी उससे हैक होता था, तो उससे जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है उसको है वो पैसे की डिमांड करता था। आजकल ये व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट हो रखा है क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर है वो पे आप मैसेज कर सकते हो, ऐसा कोई व्हाट्सएप ने फीचर नहीं डाला है। पहले वीडियो कॉल का था तो वो तो इन्होंने है वो फिक्स कर दिया है, जिसमें अभी आप अननोन नंबर है वो बंद कर तो नहीं कर सकते लेकिन साइलेंट कर सकते हैं। साइलेंट का ये ऑप्शन इसलिए दिए कि हो सकता है आपका कोई रिलेटिव है वो आपको है वो फोन करे, उसके पास नया नंबर हो, तो उस हिसाब से इन्होंने है किया। आमजन की तो ये है ना कि नंबर सेव ना हो तो भी करते, हो सकता है कि अगर मेरे पास जो फोन है वो गुम हो जाए और मैं किसी के नंबर से है वो कॉल वगैरह करूं तो वो उस टाइम नहीं आ पाती, और ये प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने सिर्फ साइलेंट का ऑप्शन है वो दिया है। तो ये फ्रॉड है वो हो रहा है, साइबर हैकर है वो पीछे बैठे होते हैं। आजकल तो भाई हर घर में बच्चा बच्चा है वो यूट्यूब पे देखे हैकर बन गया है, बहुत सी वेबसाइट है जहां पे आप इस तरह के है लिंक है वो फिशिंग लिंक है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी है और ये एक अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि इस जैसे ही हैकिंग से क्या करना वो खुद को अवेयर कर लेगा, अपने परिवार को अवेयर करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो थोड़े से पैसों के लिए दूसरे के लिए।
तो ये है, ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। छोटी सी वीडियो मैंने अवेयरनेस के लिए बनाई है, मैंने कोई और ऐसी लंबी वीडियो नहीं बनाई है। आप इसे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं, जो हमेशा ही बोलता हूं मैं, किसी भी रैंडम लिंक पे है वो क्लिक ना करें, चाहे वो आपको किसी ने भी भेजा हो। एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाकर उस लिंक को पेस्ट करें और वहां पे आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट है वो सेफ है या नहीं। अगर उसमें सेफ आए तो उस पर आप लिंक पे क्लिक करें, वरना रैंडम लिंक पे आज के टाइम पे आप क्लिक ना करें। आपको ओटीपी या फिर आपका वेरिफिकेशन का दौर है वो जा चुके हैं आजकल, तो बिना किसी ओटीपी के भी हैक हो रहा है सिस्टम। जी हाँ, खुद के साथ हुआ है मेरे साथ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो चुका था, कंप्लीटली डिलीट हो चुका था, गूगल से ही हट चुका था। जी हाँ, और काफी मुश्किलों से वापस आया है। यूट्यूब चैनल की बात नहीं है, यूट्यूब चैनल तो और बन जाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल डिटेल है, पर्सनल वीडियो है, वो कहीं अगर शेयर हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा कि अपने व्हाट्सएप पे के लिए या जो एटीएम वगैरह कुछ भी हो, जैसे उसकी कोई ओटीपी किसी को ना दें भाई। जो छोटे छोटे हैकर है ना, वो ओटीपी के जरिए हैक कर लेते हैं, जो बड़ा हैकर हो उसको तो नहीं रोक सकते हम, तो वो ना करें। अगर आप सिस्टम में कुछ चीज चलाते हैं जैसे कि कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, एंटीवायरस है, क्विक हेल का मैं रिकमेंड करूंगा, जो क्विक वेल टोटल सिक्योरिटी वो यूज करें, जो छोटे मोटे हैकर है वो नहीं करेंगे। जेन्युइन विंडो यूज करें, क्रैक सॉफ्टवेयर ना यूज करें जहां तक हो सकता है। गूगल से कोई भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड ना करें, प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें। तो इस तरह की छोटी छोटी अवेयरनेस आप ध्यान में रख के अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बच सकते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके साथ हुआ है क्या ऐसा या नहीं हुआ, क्या आपने ऐसी कुछ चीजें देखी है, कॉमेंट बॉक्स में देखना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग विलेजर किंग।